एनआई द्वास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों को मैं रमन कुमार झा का प्यार भरा नमस्कार। आज भाजपा द्वारा पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया। यह बता दें कि 195 उम्मीदवारों में ज्यादातर बड़े नेताओं का उम्मीदवारी यहां पर जारी की गई और यह पश्चिम बंगाल में 20 सीट पर जो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनके सहित मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यहां पर अलीपुर द्वार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला का टिकट काट दिया गया है और यहां पर मनोज तिग्गा को टिकट दिया गया है। तो यह बता दें कि आपको बीजेपी पहली लिस्ट जिसमें एससी समुदाय से 27 और एसटी समुदाय से 18 और ओबीसी समुदाय से 57 उम्मीदवार हैं। इनमें यूपी के 51, बंगाल के 20, एमपी से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9 और असम के 11, झारखंड से 11 और छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। दिल्ली से 5 सीट, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, गोवा के 1, त्रिपुरा के 1, अंडमान और निकोबार के 1, दमन द्वीप से 1 सीट का पर नाम का ऐलान किया गया है। केरल में शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। बीजेपी बंगाल के 20 सीटों में सबसे पहला अलीपुर द्वार जिला का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। अलीपुर जिले से केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला का टिकट काट कर मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज तिग्गा को लोकसभा का उम्मीदवार भाजपा की तरफ से घोषित किया गया है। मनोज तिग्गा भाजपा में काफी दिनों से कार्यरत रहे हैं। मनोज तिग्गा कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। पिछले 2 बार से यानी कि 1 दशक से 2 बार के विधायक मनोज तिग्गा को इस बार भाजपा ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। आपको यह बता दें कि कूच बिहार से निश्चित प्रमाणिक पर जो गृह उप राज्य मंत्री थे उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। श्री निशित प्रमाणिक को टिकट दिया गया है। अलीपुर द्वार से मनोज तिग्गा को दिया गया है। वहीं जॉन बारला चाय बगान इलाके में BTWU ट्रेड यूनियन के चेयरमैन हैं और उनका चाय बगान में काफी अच्छी पकड़ देखी जाती है। अगर जॉन बारला भाजपा से अलग होकर कहीं किसी और पार्टी में शामिल हुए तो भाजपा के लिए यहाँ मुश्किल खड़ा हो सकता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जॉन बारला से बात करने की कोशिश की गई, उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में लोकसभा का रिजल्ट क्या होता है और देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।